नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, कितनी परसेंट इनकी समस्या हल होंगी, क्या कुछ नया कुछ इनको प्राप्त होने वाला है इस सप्ताह, क्या है इस सप्ताह का उपाय और कितना परसेंट ये सप्ताह इनका साथ देने वाला है, यानी कि कितना परसेंट अच्छा रहने वाला है, ये आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों चंद्रमा आपके इस सप्ताह चौथे पांचवे एवं छठे भाव में गोचर करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं होगी। धन संपत्ति मामले जो आपके चल रहे थे उसमें आपको कोई बैड न्यूज प्राप्त हो सकती है, कोई अशुभ न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए जितने भी आपके संपत्ति के मामले हैं, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएं हैं, वो आपकी इस सप्ताह बढ़ जाएंगी। माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और वाहन संबंधित समस्या भी आपको पैदा हो सकती है। वाहन से जो रिलेटेड समस्या आपकी चल रही थी वो आपकी इस सप्ताह बढ़ जाएंगी। दोस्तों सप्ताह के 20 तक आते आते आपके संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो लोग टीचिंग लाइन से हैं, जो लोग टीचर्स हैं, उनकी समस्याएं हल होंगी, उनको कोई नया काम कोई नया अवसर मिल सकता है अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए। कर्ज संबंधित मामले हल होंगे, विदेश यात्राएं जितनी भी आपके जो लोग विदेश में रुके हुए थे, जो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे या फिर कोरोना की वजह से रुक गए थे, उनकी समस्याएं भी इस सप्ताह हल होंगी। कर्ज संबंधित मामले भी आपके इस सप्ताह हल होंगे और जो लोग कंपटीशन से रिलेटेड थे, जो लोग कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे, उनकी भी इस सप्ताह समस्या हल होगी। दोस्तों इस सप्ताह आपको कोई बहुत बड़ा लाभ भी होने वाला है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है और जो बड़े भाई बहन बोलें, जो बड़ा भाई बोले या फिर बड़ी बहन बोलें, उनका कहा माने, क्योंकि उनकी तरफ से ही आपको कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। इस सप्ताह क्या उपाय करें मीन राशि वाले? इस सप्ताह आपको नियमित रूप से भगवान शिव पर जल चढ़ाना है और शुक्रवार के दिन उनको खीर का भोग लगाना है, खीर बना करके उनको खिलाएं। इस सप्ताह आपका 65% आपका ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, 65% आपका ये सप्ताह साथ देगा। दोस्तों मीन राशि में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।